ओम शांति, आज हम शिवरात्रि के बारे में बताएंगे। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है किस लिए मनाई जाती है आज हम मंदिर में जाते हैं ले, उम, साथ लेके जाते हैं, अकद अकदुरा बेलपत्री कच्ची लस्सी है ना तो परमपिता परमात्मा शिव हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे जो आपके अंदर कड़वाहट है है ना? जो गुस्सा है है ना जो जो भी है मना अंदर की बातें हैं, वो हमें परम पिता परमात्मा शिव के ऊपर अर्पण करनी है जैसे देखो हम उपवास करते हैं तो उपवास मना परमात्मा के पास रहना तो हम देखो सारा दिन इधर उधर की बातें करते रहते हैं लेकिन हम परमात्मा को याद तो नहीं करते हैं कहते हैं हमने व्रत रखा है व्रत रखा है लेकिन हमने व्रत तो रखा है लेकिन हमने कितना समय परमात्मा को याद किया है जैसे देखो हम मंदिर में जाते हैं कच्ची लस्सी लेके जाते हैं तो अगर परम पिता परमात्मा के पास हम गए भगवान के पास गए परमात्मा के पास गए तो हमें तो शुद्ध दूध लेके जाना चाहिए पानी की मिलावट नहीं करनी चाहिए तो कहने का भाव है कि आज दुनिया में झूठ ज्यादा है और सच कम है और जैसे देखो मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जब हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले वो हम घंटी बजाते हैं क्यों बजाते हैं कि परमात्मा को हम जगाने के लिए बताने के लिए कि हम आ गए हैं आप जागो तो परमपिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अब जागो अब सोने का समय नहीं है कहते हैं अभी कल युग बच्चा, बच्चा है बच्चा है बच्चा नहीं अब जाने वाला है तो जैसे हम किसी के घर में भी जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बजाते हैं 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 उनको बताते हैं कि हम आ गए तो परमात्मा भी इस पर आ चुके हैं जैसे देखो हम मंदिर में जाते हैं और मंदिरों में पूरी परिक्रमा करते हैं लेकिन शिव के मंदिर में पूरी परिक्रमा नहीं करती हैं क्यों नहीं करती हैं क्योंकि वो चरमन के चक्कर में नहीं आते हैं जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के जैसे शिवलिंग के पास जाते हैं तो शिवलिंग लिंग माना प्रतिमा शिव माना कल्याणकारी जैसे हम मंदिर में जाते हैं माथा झुकाती हैं और तीन बिंदी लगाते हैं तीन लकीरें लगाते हैं तो माना त्रिलोक की ना त्रिकाल दर्शित तीनों लोगों को जानने वाले वो कौन है परमपिता परमात्मा शिव वे जन्म के चक्कर में नहीं आते हैं वो दुख सुख में नहीं आते हैं अगर वो मरण के चक्कर में आते हैं अगर वो दुख सुख में आते हैं तो हमें मरण के चक्कर से दुख सुख से कौन छुड़ाएगा तो इसी तरह पर परमात्मा हम बच्चों को शिवरात्रि का अर्थ बताते हैं जैसे देखो <coughs> शिवरात्रि शिव माना कल्याणकारी रात्रि माना कल जो की रात्रि जब घोर पापाचार अत्याचार बढ़ जाता है तब परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है आज देखो दुनिया के अंदर काम क्रोध लोह मोह अहंकार जैल ईर्षा नफरत घिरना सब कुछ है इसी तरह परमात्मा बच्चों कहते बच्चे जो आपके अंदर ना वो मुझे दो आज हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बकरे की बलि देते हैं क्यों बलि देते हैं क्योंकि बकरा मैं मैं करता है तो परमात्मा कहते बच्चे जो आपके अंदर बुराई है मना मैं मैं जो करते हो ना वो दो कि मैं ये करूं मैं वो कर रहा दे दे अभिमान अभिमान हमें क्या देता है दुख देता है तो मैं की बलि देनी है बकरे की बलि नहीं देनी है खुद को सुधारना दूसरों को नहीं सुधारना खुद में परिवर्तन करना है तो परमात्मा हम बच्चों को यही कहते हैं जैसे हम देखो शिवरात्रि मनाते हैं तो हम रात को जागरण करते हैं क्यों करते हैं कि परमात्मा से हमने मतलब कोई इच्छा रखी है जहां हमें है ना कुछ चाहिए है ना जहाँ हमारी मनोकामना है तो हम जाग जागरण करते हैं तो परमात्मा हम बच्चों को ये कहते हैं कि बच्चे जागो अब जाग मैंने सोना नहीं है माने हम ये नहीं कि रात को जागरण किया सुबह हम सारा दिन सोते रहे वो भी नहीं है माने हर तरफ से जागना है समझना है और देखो जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा के आने के चिन्ह बताए गए हैं तो कौन सी चिन्ह बताए हैं जैसे देखो गीता में लिखा हुआ है कि यदा जदा धर्म धर्म से गलानी भक्तिभाव जब धर्म की अति गलानी हो जाती है तब परमात्मा को धरती पर आना पड़ता है तो धर्म माना धारणा नहीं आज इंसान कहता है मैं इस धर्म का हूं उस धर्म का लेकिन धारणा तो नहीं होती है ना और जैसे देखो हम व्रत करते हैं तो व्रत में कहते हैं कि हमने नमकीन नहीं खाना है मिठ्ठा नहीं खाना है तो कहने का भाव है कि नमकीन मना कड़वे बोल मना लड़ाई झगड़ा नहीं खट्टे खट्टे बोल नहीं बोलने हैं फिर जैसे देखो हम पढ़ते आए सुनते आए कि परमात्मा जैसे गीता में लिखा है कि वो साधारण बूढ़े तन में आएगा है ना वो कब आएगा क्योंकि वो आ चुका है अब जाने का समय है जैसे देखो गीता में लिखा है कि आटा थैलियों में बिकेगा पहले देखो अः किसी ने सुना नहीं होगा पांच किलो की थैली बीस किलो की थैली अब देखो दो किलो भी लेते हैं दस किलो भी लेते हैं पांच किलो भी लेते हैं और दूध थैलियों में बिकेगा अब देखो अः दस रुपए की थैली भी आती है और पांच रुपए की आती है आधा किलो दूध मिलता है किलो दूध मिलता है जितना आपने लेना हो फिर कहते हैं गहूं बिस्टा खाई तो आज देखो दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है गहू क्या कर रही है गंद खा रही है और जैसे फिर और बताया कि लड़की खुद वर मांगेगी तो आज आप देख ही रहे दुनिया में पता नहीं होता लड़की की शादी भी हो जाती है तो जैसे देखो ना तो बालों का शिंगार होगा है ना तो आज और कोई फैशन ही रह गया बालों का शिंगार ही रह गया और बताया कि जैसे देखो एक बाप है उसके चार बेटे हैं वो छाप भी क्या करते हैं कि अप, एक बाप अपने चार बेटों की पूरी देखभाल करेगा उसको स्टैंड करेगा, सब कुछ करेगा लेकिन जो चार बेटे ना वो अपने एक बाप की देखभाल नहीं कर सकते, तो इससे बड़ा कर्जू कौन सा हो सकता है ना परमात्मा के अवतरण कहते जब घोर पापाचार अत्याचार बढ़ जाता है तब तो परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है तो परमपिता परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं और आगर के हम बच्चों को ज्ञान और राय की शिक्षा भी दे रहे हैं तो जैसे अपना जीवन कैसे परिवर्तन करना है तो हम योग सीखे और अपना जीवन परिवर्तन करें तो जैसे कहते हैं कि अभी कल जो बच्चा, बच्चा है बच्चा है बच्चा नहीं अब बूढ़ा आ चुका है अब उसका जाने का समय है और रात्रि जैसे रात्रि माने दुख की रात्रि आज इंसान दुखी होता है तो कहते हैं परमात्मा मेरे दुख दूर करो अगर परमात्मा दुख दुख में आएगा जन्म के चक्कर में आएगा तो कौन किसके दुख दूर करेगा फिर बताया कि देखो और भी बातें बताई कि परमात्मा जो है ना वो ज्योति बिंदु है निराकार है उसको आने के लिए किसी का आधार चाहिए और बताया कि परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो युग परिवर्तन परमात्मा कभी भी मैंने की हर युग में नहीं आते हैं एक युग परिवर्तन होता है दूसरा युग आता है और जैसे देखो परमात्मा का नाम है गुणवाचक जैसे हम कहते हैं कि मेरा नाम शांति और मैं सारा दिन लड़ाई झगड़ा करती रहू है ना तो मुझे जैसे परमात्मा का नाम है वैसे उसके गुण भी है और जैसे देखो किसी का नाम अमीर चंद है है ना और सारा दिन वो भीख मांग रहा है है ना ऐसे नहीं तो जिस जैसा परमात्मा का नाम वैसे ही उसके गुण उसके कर्तव्य है कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं है उसका नाम भी है रूप भी है और कर्तव्य और संबंध भी है और उसका नाम है शिव शिव माना कल्याणकारी है ना ज्योति बिंदु और परम पिता परमात्मा शिव में आकर के हम बच्चों को हर एक प्रकार की शिक्षा देते हैं और जैसे देखो परमात्मा के साथ हम संबंध भी जोड़ सकते हैं माता पिता का गुरु का और जैसे जैसे जिसने मैंने कि परमात्मा को जिस रूप में याद किया उसी रूप में वो आया चाहे वो गाइड बन के चाहे वो साजन बन के चाहे वो है ना कहते ना जीवन नैया पार करो प्रभु जी तो परमात्मा हम बच्चों के जीवन नैया को पार करते हैं और शिवरात्रि माना कल्याण की रात्रि तो जब हम शिवरात्रि मनाते हैं तो उसके अंदर हमने प्रतिज्ञा करनी है कि आज से हम किसी को दुख नहीं देंगे किसी को कड़वा बोल नहीं बोलेंगे किसी को माना कि हमेशा बुराई बुरा नहीं करना हमेशा अच्छा ही करेंगे तो ये हमने जीवन में धारण करना है और आत्मा की ज्योति जगानी है जैसे हम आत्मा की ज्योति जगाते हैं तो हमारे जीवन में जब से आत्मा की ज्योति जगती है तो हमारा जीवन खुशहाल बन जाता है तो इसी तरह परम पिता परमात्मा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि अपने जीवन में परिवर्तन लाएं जब हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे तो जीवन क्या बन जाएगा सुख में बन जाएगा ओम शांति